हेलो गाइज, वेलकम टू टेकबिलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे हाथ में है नॉइस की कलर फिट पल्स 2 मैक्स। अगर आपकी ये वॉच जो है स्विच ऑफ हो गई है, या आपके ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने बहुत दिन तक कुछ स्विच ऑफ किया हुआ है या आपने चार्ज नहीं किया हुआ है, और उसके बाद में जब आप वॉच को उठा के देखते हैं तो वो बंद मिलती है, तो आप में से बहुत ज्यादा परेशान लोग हो जाते हैं कि नई की नई स्मार्ट वॉच हमने ली नॉइस की और ये जो है ऐसा हो गया। मेरे साथ ये दो बार हो चुका है। एक बार तो मैंने कंपनी में इसको जमा किया, मुझे लगा कि भाई ये तो अपने आप ही बंद हो गई, तो मैंने इसको कंपनी में बंद चेक करवाया। वहां से ये स्मार्ट वॉच मेरी रिप्लेस होके आई, या जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा शायद रिप्लेस होके आई है। सेकेंड टाइम जो है स्मार्ट वॉच फिर से मेरे साथ वैसे ही हुआ कि एक हफ्ते तक मेरी स्मार्ट वॉच ऑफिस में रह गई और मैंने उसको जो है चार्ज नहीं कर पाया। तो उसके बाद में जो है स्मार्ट वॉच में मुझे लगा कि यार अब फिर से ये चली जाएगी, और मैंने चेक किया, चार्ज में लगा के देखा तो चार्ज नहीं हो रही थी और बंद ही हो गई थी। चालू कर रहे थे, पावर बटन कंटिन्यू प्रेस कर रहा था तो भी ये चालू नहीं हो रही थी। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जो बहुत ही बेसिक सी चीज है, यहाँ पे आप देखेंगे बैक एंड साइड में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि ये जो पीछे हमारा जहाँ चार्जिंग पॉइंट होता है, मतलब मैंने अभी जब चार्जिंग के लिए मैंने इसको चेक कराने के लिए दिया तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको चालू करके दे देते हैं, वैसे यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं था, मैं नॉर्मल दुकान में गया, मैंने वहां से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि 500 रुपये लगेंगे प्लस हम आपको इसकी चार्जिंग केबल देंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब बंदी हो गई तो क्या कर सकते, तो मैंने वहां पर चेक करवाई और 500 रुपये लगे, और उन्होंने मुश्किल से 5 या 7 मिनट में मुझे स्मार्ट वॉच चालू करके दी। तो मैंने बोला यार ये इतनी जल्दी कैसे चालू हुई, फिर मैंने यहाँ चेक किया कि क्या खोली गई है या कुछ है, तो एक सिंगल स्क्रैच इसके आजू बाजू में आपको नहीं देखने मिल रहा। तो मैंने बोले यार बिना खोले ही इन्होंने साफ कैसे कर दी, सही कैसे कर दी। तो फिर मुझे समझने आया दोस्तों कि इसके बीच में जो पीछे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो हमारा पसीना स्वेट वगैरह लगता है, जिसके कारण पीछे यहाँ पे सॉल्ट जम जाता है। सॉल्ट जमने से आपको पता है कि चार्जिंग होने में सबसे ज्यादा सॉल्ट के कारण ही प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो चार्ज नहीं हो रही थी। अब जब उन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने सिंपली इसको जो इसके ऊपर कार्बन जमता है या सॉल्ट जमता है उसको उन्होंने प्रॉपर साफ कर दिया। साफ करने के बाद में उन्होंने चार्ज में लगाई और ये चालू हो गई। मतलब सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज के लिए जो है दोस्तों मुझे प्रॉब्लम, मैं ये सोच रहा था कि इस स्मार्ट वॉच में ये प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत दिन तक इसको ऐसे ही पड़े रहने दें तो ये चार्ज नहीं होगी, लेकिन इसका असली प्रॉब्लम जो दोस्तों वो ये नहीं था। उसका असली प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो हमारा पीछे कार्बन जम जाता है या सॉल्ट जम जाता है, पीछे चार्जिंग की 2 डॉट्स होते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसको आप जो है साफ करिए। अब कार्बन को कैसे साफ करना है, कैसे सॉल्ट को साफ करना है, तो यहाँ पे जो है आप कोई पहले तो सूखे कागज से इसको जो है स्क्रब कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का हल्का तरीके से आप स्क्रब करिए कागज से, प्लस उसको साफ कर लीजिए, है ना। साफ करने के लिए जो हमारे ज्यादातर आपने देखा हो कि स्क्रीन को साफ करने वाला भी आता है, उससे भी कर सकते हैं, या फिर जो पेट्रोल के बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल जरा सा पेट्रोल का आपका जो है एक बूंद से भी बहुत कम, आपको जो है इसको बस हल्का सा लगाइए और सूखे कपड़े से या जो कॉटन होता है उससे आप उसको स्क्रब कर दीजिए और सूखने दीजिए। सूखने के बाद में आप इसको लगाएंगे तो ये वापस से चालू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल छोटी सी चीज के लिए भी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही प्रॉब्लम होने वाली है हमेशा, हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, वाकई में आपकी घड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन नई की नई अगर आपने घड़ी रखी और कुछ भी नहीं हुआ उसमें, सिर्फ रखे रखे बंद हो गई है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि पीछे जो है यहाँ पे कार्बन जम जाता है, उसको आपको जो है साफ करवा लेना है जाके। तो ये थी दोस्तों यानी जानकारी, मैं ठगा गया, आप ना ठगे जाएं और खुद ही घर में इसको रिपेयर कर लें, इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आई होप आपको जानकारी होगी पसंद। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए टेकबिलर यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।